हाँ भाई 200 रुपये, 250 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये। हाँ भाई 200 रुपये, 250 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये। हाँ भाई 200 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये। गाइज जो भी है गाइज, ये है अलग अलग क्वालिटी के हेलमेट्स। ये है सस्ता 200 रुपये वाला, ये है 250 रुपये, मतलब एक जैसे ही ऑलमोस्ट। ये है 700 रुपये वाला, और ये है स्टड का हेलमेट सिर्फ 800 रुपये का। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो एक 200-250 रुपये का हेलमेट होता है और एक जो 700-800 रुपये का हेलमेट होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। भाई साहब बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बचाती है हमारे सर को, जो कि जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आप लोग भी प्लीज़ हेलमेट का यूज़ कीजिए, सभी लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इनकी जो स्ट्रेंथ है उसकी टेस्टिंग करेंगे एक इस तरीके से बड़े हथौड़े के साथ में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा दीजिए। दोस्तों इस वीडियो का पर्पज़ ये दिखाना है कि एक जो काफ़ी सस्ता हेलमेट होता है, जो कि हम लोग पुलिस से बचने के लिए लगा लेते हैं बेसिकली, अगर अपन आसान भाषा में कहें उसमें, और एक थोड़े महंगे हेलमेट जो कि 700-800-900 हज़ार रुपये का आता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है अगर सेफ्टी की बात करें तो, यानी कि हमारे सर को वो कितना प्रोटेक्ट करते हैं दोनों। तो यहाँ पर इस 200 रुपये वाले हेलमेट से स्टार्ट करेंगे और सभी के ऊपर मारेंगे इस हथौड़े से। दोस्तों ये जो हथौड़ा है, ये है भाई साहब कितने 9 पाउंड का हथौड़ा, ठीक है, काफ़ी भारी है और इसमें लोहे का हैंडल भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस वाले से शुरुआत करेंगे और आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा सब कुछ आपके सामने होगा, एंड जो भी होगा सब कुछ एकदम रियल होगा, क्योंकि भाई साहब रियल ही चीज़ हम लोग करते हैं। तो इस पर मारता हूँ, एक चोट मारूंगा बस, और देखते हैं कि ये टूटता है या बसता है या क्या होता है। तो भाई इन 3, 2, 1 वो वो और यहां पर आपके सामने भाई साहब जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो आ गई है। देखो जरा, एक चोट मारी और हेलमेट जो है वो बिल्कुल बिखर गया। ये था सस्ता वाला, पुलिस से बचने के लिए जो लगता है, लेकिन पुलिस से तो बचा लेगा पर हमारे सर को नहीं बचा पाएगा जब जरूरत पड़ेगी, अगर अनफॉर्चुनेटली तो। और इसके नीचे का जो प्रोटेक्शन है वो अलग निकल के भाग गया और इसमें भी छेद हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पे, इसको तो हटाते हैं। देख लिया आपने क्या हुआ, ये भी सस्ते वाली कैटेगरी में ही है। तो इस पे मारते हैं 3, 2, 1 ये लो। तो भाई साहब यहाँ पर भी कमोबेश वही चीज़ हुई है और वैसा ही हाल हुआ है इसका भी, जैसा हमारे 200 वाले का हुआ था। तो अब आते हैं तीसरे वाले पर, और ये दोस्तों जो है ISI मार्किंग का हेलमेट है, वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सिर्फ 700 रुपये का ही है। यार 700 रुपये सर के लिए तो खर्च कर ही सकते हैं। तो अब देखते हैं इस पर भी वैसे एक चोट मार के, तो यहाँ पर मारते हैं। ओ वो गाइज देखा आपने, इम्पैक्ट हो चुका है और जो हेलमेट है दैट इज स्टिल इन वन पीस, अभी तक ये टूटा नहीं है, एक टुकड़े में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं टूटा, ये यहाँ से उखड़ गया और इसमें एक यहाँ पर क्रैक भी आ गया। लेकिन सोचो अगर इसके अंदर किसी का सर है तो क्या ये वाला बचाएगा या ये वाला बचाएगा, सिंपल है आपके सामने। तो भाई साहब और देखो, एक चोट मारी है, कुछ नहीं हुआ, अभी टूट चुका है, और अब इस पे अगर चोट मारे तो क्या होगा, वैसे ऐसा कभी होगा नहीं पर ये लो। तो भाई साहब दूसरी चोट भी लग चुकी, क्रैक बढ़ गया, लेकिन अभी भी जो हेलमेट है दैट इज इन वन पीस। तो ये तीसरा लो। ओ भाई यहां पर जो हथौड़ा है वो ही बाउंस बैक कर जा रहा है। ओहो
तो भैया यहाँ पर मैंने 5-6 इसके ऊपर हथौड़े मार लिए, लेकिन अभी भी जो हेलमेट है वो हमारे इन हेलमेट्स की तरह बिखरा नहीं है। ये जो है अभी भी यार इस हालत में है कि समझ में आ रहा है कि ये हेलमेट है। और अब आते हैं हमारे चौथे और इससे थोड़े से और महंगे यानी कि 800 रुपए के हेलमेट के ऊपर, और देखते हैं क्या होते हैं। ये आपको 800 या 900 रुपए का मिल जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर है, 3-2-1 हियर यू गो। और गाइस जो रिजल्ट है वो आपके सामने एकदम क्लियरली विजिबल है। भाई साहब यहां पर आप लोग देखो कि जो हेलमेट है इसमें एक जरा सा डेंट सा हुआ है, ना कोई क्रैक आया है ना कहीं से टूटा है। और मेरे पे विश्वास कीजिए, मैंने कोशिश करी सभी में बराबर दम लगाने की, लेकिन देखा आपने। तो इस पे जो है एक चोट और मारते हैं और कंफर्म करते हैं कि हम सही जा रहे हैं। हमने मारा एक और हथौड़ा और आप लोग देखो कि अब जा करके यहां पर ये जो है क्रैक हुआ है। लेकिन सोचो कि इसके अंदर अगर किसी का सर है तो वो बच जाएगा, बचने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली। तो इस पे जो है थोड़ा सा और मारते हैं और देखते हैं। यार गाइज ये जो हथौड़ा है ना ये वास्तव में काफ़ी भारी है, इसीलिए मैं थोड़ा ढीला चल रहा हूँ क्योंकि इसमें वजन ज़्यादा है। तो ये लो। हथौड़ा ही घुस गया इसमें लेकिन टुकड़ा नहीं हुआ यहाँ पर। अबे यार ये तो लज गया, कैसे निकाले इसको। अबे हथौड़ा घुस गया यार इसमें। तो गाइज यहाँ पर मैंने जो है लगभग 10 बार इस हेलमेट पर मार लिया और इसका ये जो सेक्शन है ये टूट गया। लेकिन आप लोग देखो कि अभी भी जो हेलमेट है वो पीस में है, यानी कि बड़े टुकड़े नहीं हुए हैं और ऐसा नहीं है कि पूरा फैल गया। और पहला जो इसके ऊपर इम्पैक्ट था उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ था, दूसरे इम्पैक्ट में भी थोड़ा सा फटा था, लेकिन ये वाले जो हेलमेट्स हैं आप लोग देख ही सकते हो। किसी स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो सस्ता वाला हेलमेट है वो मत लगाओ। अगर आपको हेलमेट लगाना है तो कम से कम 700-800 रुपए का एक ठीक ठाक ISI मार्किंग वाला हेलमेट खरीद लीजिए। नहीं तो जिस दिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी उस दिन ये साथ नहीं देगा और उस दिन वो जो पैसे आपने बचाए थे ना इसको ख़रीदने में वो पैसे सारे जो है कई गुना वसूल हो जाएंगे, वसूल नहीं मतलब चले जाएंगे, और साथ में अपने हेल्थ का भी नुकसान हो सकता है, जान बचा सकता है ये चीज़, ठीक है। तो प्लीज़ अगर हेलमेट ख़रीदो तो थोड़ा सा कृपा कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बख्शिए और थोड़ा बढ़िया हेलमेट, थोड़ा सा मतलब कि आप समझ लो 700-800 रुपये कोई ज़्यादा तो नहीं होता अपने अगर हेल्थ की बात आती है, तो वो खरीदिए। तो अगर आपको आया मज़ा और कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में तो नीचे जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मस्त मस्त वीडियोज़ के लिए। अपने भाई के लिए लाइक करना मत भूल जाना। चलो चलो फिर मिलते हैं, क्या बोल रहा हूँ यार थक गया मैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।